बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। एक नज़र आपकी हेडलाइंस पर। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, डेढ़ साल हसन किसकी गोली का निशाना बना। बाप का कहना है पुलिस एहलकार की गोली ने बच्चे की जान ली। एनी शाहिद के बयान से कहानी नया रुख इख्तियार कर गई। कहता है बच्चे को डाकुओं ने मारा, पुलिस ने खुद ही मुकदमा दर्ज कर लिया। सईद गनी कहते हैं सिंध पुलिस सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं। कराची में 9 माह की निशवा को गलत इंजेक्शन लगने का मामला। बच्ची के वालिद को धमकियां देने वाले एसपी के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। डीआईजी ईस्ट ने रिपोर्ट पुलिस चीफ को भिजवा दी। ताहिर नूरानी को ओहदे से हटाने की सिफारिश। तूफानी हवाओं के बायस समुंदर में माही गीरों की 3 लांचें लापता। फिशरी सिक्योरिटी के मुताबिक लांचों पर 38 माहीगीर सवार, तलाश शुरू कर दी गई। चार रोज से जारी बारिशों से तबाही। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बादल जमकर बरसे। नदी नाले बिफर गए। मुख्तलिफ इलाकों में हलाकतों की तादाद 49 तक पहुंच गई। बारिशों से किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद होने का खदशा। पंजाब में खेत पानी से भर गए। गंदम की तैयार फसल को नुकसान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की सियासी मुखालिफीन पर तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग जरदारी और शरीफ से बाहर निकलें। करप्शन केसेस से घबराई कयादत ने दोनों जमातों का मुस्तकबिल तारीख कर दिया। 18वीं तरमीम और सदारती निजाम की अफवाहें, मुकदमों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ज्वाइंट वेंचर केस में फरियाल दालपुर की नैब रावलपिंडी में पेशी। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी ने पीपल्स पार्टी रहनुमा का बयान रिकॉर्ड किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेरे सदारत इजलास। प्रोग्राम एहसास पर अमल दरामद से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इमरान खान कहते हैं एहसास मुल्क से गुरबत के खात्मे का जामे प्रोग्राम है। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बगावत। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के 5 अरकान का क्वेटा में होने वाले इजलास का बॉयकॉट। एमडी पीसीबी की तकरीरी गैर कानूनी करार दे दी। वजीर आजम भी क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी से नाला। चेयरमैन पीसीबी को इस्लामाबाद तलब कर लिया। नए आईजी पंजाब आरिफ नवाज ने चार्ज संभाल लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा उनके पास कारकर्दगी दिखाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, जो काम करेगा वही फोर्स में रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टरों को भी हड़ताल की बीमारी लग गई। सूबे भर के अस्पतालों में ओपीडीज बंद, मरीज खार। मसीहा ड्यूटी छोड़कर सूबाई असेंबली के बाहर पहुंच गए। खैबर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। लैया में जाली पीर ने एक ही खानदान के 5 अफराद को जहरीला मशरूब पिला दिया। हालत गैर होने पर तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम मौके से फरार। और भारत में इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग कल होगी। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश समेत 13 रियासतों के 97 हलकों में वोट डाले जाएंगे। हुर्रियत कयादत का इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। कल वादी भर में हड़ताल होगी। हेडलाइंस आपने जानी, ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए।